नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने के लिए कहा ताकि वे स्वयं और उनके परिजन स्वस्थ रहें। केंद्र ने राज्यों से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से घरों पर रहने का अभियान शुरू करने को कहा। नागरिक विमानन के महानिदेशक ने कोविड 19 को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाने का विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने के लिए कहा ताकि वे स्वयं और उनके परिजन स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री ने पूर्ण बंदी वाले जिलों और राज्यों में लोगों से घरों से बाहर न निकलने और कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने ट्वीट के जरिए लोगों को इसके प्रति सावधान रहने को कहा। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों, नर्सों और स्वच्छता कर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए लोगों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड 19 से लंबी लड़ाई में देश की विजय यात्रा की ये केवल एक शुरुआत है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोरोना के चलते अपने यहां लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करें। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि बहुत से लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे निर्देशों का गंभीरता से पालन करें ताकि वे स्वयं और उनके परिजन सुरक्षित रहें। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा था कि वे कोरोना प्रभावित 75 जिलों में आपात सेवाओं के अलावा सभी सेवाओं को बंद कर दें। इनमें दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, कोलकाता, देहरादून, जयपुर, चेन्नई, मुंबई, तिरुअनंतपुरम, बेंगलुरु, श्रीनगर, जम्मू, अहमदाबाद, गांधीनगर, चंडीगढ़ और विजयवाड़ा शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से अनुरोध किया है कि वो लोगों को घर पर ही बने रहने के लिए संदेश देने का अभियान चलाएं। उन्होंने आज विभिन्न संचार माध्यमों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा कि इससे लोग मामले की गंभीरता को समझेंगे और लॉकडाउन को गंभीरता से लेंगे। प्रधानमंत्री ने मीडिया कर्मियों से भी इसी तरह की सावधानी बरतने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी संचार माध्यमों के प्रमुखों से चर्चा की। उन्होंने कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों को जागरूक बनाने में मीडिया की भूमिका पर भी चर्चा की। देश में 415 लोगों में कोविड 19 की पुष्टि हुई है। इनमें से 23 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। 7 लोगों की मौत हुई है। देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर अब तक 15,17,000 यात्रियों की जांच की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है और कहा है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ऐसा करना सुरक्षित है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि ये समय भीड़ से बचने का है और डिजिटल भुगतान इसमें मददगार है। वित्त मंत्रालय और बैंकों ने भी लोगों से ई पेमेंट सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम से 263 भारतीयों को स्वदेश लाने वाले एयर इंडिया के विमान के सभी कर्मचारियों की सराहना की है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस टीम ने असाधारण साहस दिखाया और मानवता की सेवा की। उच्चतम न्यायालय ने कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे केंद्र सरकार के अत्यधिक सक्रिय उपायों पर संतोष प्रकट किया है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े के नेतृत्व में पीठ ने कहा कि न्यायालय मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए सरकार की अत्यधिक सक्रियता से संतुष्ट है। एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने आकाशवाणी को बताया कि ये धारणा गलत है कि ये वायरस मांसाहार से फैल रहा है। नॉनवेज से या अंडे खाने से ये फैल नहीं रहा है और इसलिए ये कोई इसमें एविडेंस नहीं है कि ये अब एनिमल से या
नॉनवेज खाने से फैल रहा है। सिमिलरली पेट्स के साथ भी ये है कि जिन्होंने अपने घर में पेट्स रखे हैं, ऐसा नहीं है कि ये वायरस जो है पेट्स में आ जाएगा या पेट से किसी और को आ जाएगा। अब अगर ये वायरस फैल रहा है तो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है, इसलिए ये गलत फीलिंग्स हैं कि ये नॉनवेज खाने से हो रहा है या पेट्स घर में रखने से हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लें। लोगों द्वारा सड़कों पर निकलने पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी को भी स्वयं और दूसरों की जिंदगी से खेलना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लागू है, इसके तहत 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि धारा 144 के बावजूद कई स्थानों पर काफी लोग नजर आ रहे हैं। कोविड 19 के प्रकोप के बाद महाराष्ट्र में धारा 144 लागू होने के बावजूद मुंबई में कुछ स्थानों पर कई लोग सड़कों पर हैं, जबकि कई मुख्य सड़कें वाहनों से भरी हुई दिखाई दे रही है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपील की है कि नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए घर पर ही रहना चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या 79 हो गई है। मुंबई में इसमें सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। 48 साल के एक व्यक्ति जो पिछले हफ्ते ठीक होने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती था, उसने आज कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। कुणाल शिंदे के साथ निवेदिता भोरकर, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश में कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य के 16 जिलों को लॉकडाउन किया गया है। राज्य भर में लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। आमतौर पर लोग घरों में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन जिलों में केवल आवश्यक सेवाएं काम कर रही हैं। इन जनपदों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर, शिक्षण संस्थान, स्वायत्त शासी संस्थाएं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, माल दुकानें, कारखाने, गोदाम और सार्वजनिक परिवहन बंद कर दिया गया है। सरकार ने अति आवश्यक सेवाओं की एक सूची जारी की है, जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, गृह सतर्कता, जेल प्रशासन, पुलिस और अर्धसैनिक बल, जिला प्रशासन, ऊर्जा, शहरी विकास विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, आपदा और राहत, फायर सर्विस, सिविल डिफेंस, सूचना, टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अनावश्यक रूप से भीड़ न इकट्ठी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि बंद का कड़ाई से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी नुकसानदायक हो सकती है। एमएस यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राजस्थान में अब तक 28 लोग कोविड 19 से प्रभावित पाए गए हैं। इनमें से 3 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। कल 3 और व्यक्ति भीलवाड़ा, झुंझुनू और जोधपुर में जांच में इस वायरस से प्रभावित पाए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भीलवाड़ा और झुंझुनू में कर्फ्यू जारी है, जबकि राज्य के अन्य भागों में लॉकडाउन है। सार्वजनिक परिवहन बंद होने और अंतर्राज्य सीमाएं सील होने के कारण हाईवे और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ना के बराबर है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने को कहा गया है। जन सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोविड 19 राहत को शुरू किया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने तथा धारा 144 का उल्लंघन करने पर अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपात स्थितियों को देखते हुए कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल तथा होटलों को आइसोलेशन वार्ड के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। चुनौती का सामना करने के लिए सेना, बीएसएफ, अर्धसैनिक बल सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी विमान कंपनियों और हवाई अड्डों से कहा गया है कि वे चेक इन काउंटरों पर यात्रियों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखें। विमान में चढ़ते समय यात्रियों को झुंड में न ले जाएं। विमान में प्रवेश करते समय यात्रियों और स्टाफ को सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कैबिन क्रू से कहा गया है कि वो यात्रियों को सेवाएं देते समय उनसे आवश्यक दूरी बनाए रखें। प्रत्येक 2 यात्रियों के बीच 1 सीट खाली रखने का भी निर्देश दिया गया है। व्यापार पर कोविड 19 महामारी के व्यापक असर के बीच देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कर्जदारों की
नकदी की जरूरत पूरी करने के लिए ऋण देने की आपात व्यवस्था शुरू की है। बैंक ने बताया है कि कोविड 19 आपात ऋण व्यवस्था 30 जून तक 200 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। ये ऋण 12 महीने के लिए 7.25% की ब्याज दर पर दिया जाएगा। चीन में नोवेल कोरोना वायरस के स्थानीय संक्रमण का आज कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन विदेशों से आए 39 लोगों में संक्रमण का पता चला है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि वुहान में कल कोविड 19 से 9 और लोगों की मौत हो गई, जहां से ये वायरस दुनिया भर में फैला है। बिहार सरकार ने उन सभी 16,477 लोगों की जांच कराने का फैसला किया है जिन्होंने इस महीने की 1 तारीख से 20 तारीख के बीच कोरोना प्रभावित क्षेत्रों से राज्यों में प्रवेश किया है। माइग्रेशन ब्यूरो ने इन लोगों के नाम, पते और मोबाइल नंबर स्टेट सर्विलांस यूनिट को उपलब्ध करा दिया है। इन यात्रियों की सूची सभी जिलों को भेज दी गई है ताकि पहचान सुनिश्चित कर उनकी दोबारा जांच हो सके। इस काम में संबंधित गांव के मुखिया और चौकीदार की मदद लेने का निर्देश दिया गया है। कोरोना प्रभावित देशों से आए यात्रियों की जांच एक बार फिर कराई जाएगी, क्योंकि हो सकता है इनमें से कई एयरपोर्ट पर जांच में शामिल न हो पाए हों या जांच के बाद कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों। इन सभी की जांच के अलावा इन्हें क्वारंटाइन कराने का भी निर्णय लिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में कोविड 19 को देखते हुए 41 जिलों को लॉकडाउन किया गया है। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं काम करेंगी। असम में कोविड 19 के फैलाव को रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए गए हैं। कड़ी निगरानी के कारण राज्य में अब तक इस वायरस से संक्रमित कोई भी मामला सामने नहीं आया है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज रात 9:30 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय रहेगा फिट इंडिया और कोविड 19 का महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर। एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर यह कार्यक्रम रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 और 01123341444 पर कॉल करके विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में आतंकवादियों के सहयोगियों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इससे पहले सोपोर पुलिस ने आतंकवादियों को सहयोग देने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस सिलसिले में कुछ और लोगों को गिरफ्तारी की संभावना भी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने कहा कि देश हमेशा उनके बलिदान को याद करेगा। प्रधानमंत्री ने जाने माने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की जयंती पर भी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि डॉ लोहिया के कार्य और विचार लोगों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। मुंबई शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में लगभग 3000 अंक की गिरावट आने के बाद निचला सर्किट लग गया है, इसलिए कारोबार 45 मिनट तक रोकना पड़ा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 842 अंक की गिरावट हुई। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण दुनिया भर में लॉकडाउन के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में जबरदस्त मंदी की आशंका है। अब से कुछ देर पहले मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक 26,311 अंक पर था। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की तुलना में आज रुपया 92 पैसे कमजोर हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने के लिए कहा, ताकि वे स्वयं और उनके परिजन स्वस्थ रहें। केंद्र ने राज्यों से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया प्रतिनिधियों से कहा कि वे लोगों से घरों पर रहने का अभियान शुरू करें। नागरिक विमानन महानिदेशक ने कोविड 19 को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाने का विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।